अफगानिस्तान में अंतिम यूएस आर्मी के जाते ही तालिबान के लिए एक नए युग की नई शुरुआत हुई है, लेकिन तालिबान बाज नहीं आता और एक बार फिर उसका असली चेहरा सामने आया है। एक तरफ अपने झंडे के साथ वो अपना संकल्प दोहराता दिखता है तो दूसरी तरफ बार बार बंदूकों का मुंह खोलकर बारूद से किस तरीके से हिंसक चरित्र भी अपना दिखा देता है। सवाल है कि अब अफगानिस्तान में कैसे होगा तालिबान का राज। अफगानिस्तान से उखड़े अमेरिका के पैर, डेडलाइन से पहले भागा आखिरी यूएस सोल्जर, तालिबानियों की जीत का जश्न या हमले की मुनादी। अफगानिस्तान में अमेरिका की 19 साल से ज्यादा की मौजूदगी का अंत हो चुका है। सत्ता में लौटे तालिबान की ओर से दी गई डेडलाइन से पहले ही अमेरिकी सेना के अंतिम 3 C-17 विमानों ने आधी रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसी के साथ अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पूरी तरह खत्म हो गई और आज से अफगानिस्तान पर तालिबान के नए युग की शुरुआत हो रही है। तीन तस्वीरें उसके तीन चेहरे हैं। एक तरफ बदरी फोर्स ने काबुल एयरपोर्ट संभाल लिया है, दूसरी तरफ तालिबान इस नए युग के नए दिन की शुरुआत अपने झंडे के सामने अपने संकल्प के साथ कर रहा है और तीसरी तस्वीर उसके जीत का जश्न मनाने के तरीके की है जिसने एक बार फिर अफगानिस्तान को दहला दिया है। अमेरिका की सबसे लंबी और तवील जंग अफगानिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। आज रात 12 बजे जो है वो अले सुबह जो है वो आखिरी जहाज़ जो है वो काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइड से उसने टेक ऑफ किया। इस जहाज़ में अमेरिका की जानिब से सबसे पहले अफगानिस्तान भेजी जाने वाली डेल्टा फोर्स के अहलकार मौजूद थे और डेल्टा फोर्स के अहलकार सबसे पहले अफगानिस्तान आए थे इन्वेजन में और सबसे आखिरी ही वो अहलकार बने जो अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे थे। अमेरिकी सेना के इस अफसर के काबुल एयरपोर्ट छोड़ने के साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी खत्म हो गई। पेंटागन ने अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने की पुष्टि की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा, मिशन पूरा हुआ। पिछले 17 दिनों में हमारे सैनिकों ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े एयरलिफ्ट को अंजाम दिया। उन्होंने इसे बेजोड़ साहस और संकल्प के साथ किया। अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति खत्म हो गई है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में न सिर्फ सैन्य बल्कि अपनी राजनयिक उपस्थिति को भी खत्म कर दिया है और अपना दूतावास अफगानिस्तान से कतर शिफ्ट कर दिया है। इसी के साथ अब अफगानिस्तान पूरी तरह तालिबान के कब्जे में आ गया है। काबुल एयरपोर्ट पर बदरी 313 ब्रिगेड, जीत के जश्न में फिर दहलाया काबुल। तालिबान एक तरफ अपने झंडे फहराकर तो दूसरी तरफ हवाई फायरिंग कर अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जे का ऐलान कर रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह, जो हर मुद्दे पर तालिबान का पक्ष रखते हैं, वो अमेरिका की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट के मिलिट्री ऑपरेशन साइट का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर तालिबान के सबसे खतरनाक फोर्स बदरी 313 ब्रिगेड ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। यानी हर स्तर पर तालिबान अपनी तैयारी पुख्ता कर उसकी तस्दीक भी कर लेना चाहता है। तालिबान का मेकओवर करने में लगे उसके प्रवक्ता सुहेल शाहीनो या जबेउल्लाह दुनिया के सामने तालिबान की सॉफ्ट छवि रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक बार फिर अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ते ही तालिबान का असली चेहरा सामने आ गया है। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका के जाते ही जो तस्वीरें सामने आई वो अफगान नागरिकों के साथ ही पूरी दुनिया को डराने वाली थी। अमेरिका के वापस जाने की खुशी में तालिबान के आतंकियों ने जश्न मनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की। आपने देखा कि बदरी 313 की जो यूनिट है अफगान अफगान तालिबान की इलीट कमांडोज की जो यूनिट है उसने सीज कंट्रोल किया एबे गेट के थ्रू, जहाँ पे हम कल मौजूद थे। और एबे गेट के बाद उन्होंने यहाँ पर जो है एरियल शॉट्स फायर किए गए।
काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका के जाने के बाद तालिबान के प्रवक्ता ने ट्विटर पर लिखा कि आखिरी अमेरिकी सैनिक के यहाँ से जाने के बाद अब अफगानिस्तान को पूरी आज़ादी मिल गई है। ये जश्न उसी आज़ादी का है